हरोली थाना के अंतर्गत लोअर पंजावर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष में 8 लोग लहूलुहान हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उपचार के लिए ऊना अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर के समय लोअर पंजावर में माया देवी अपने परिवार के साथ खेतों में बिजाई का कार्य कर रही थीं। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोग आए। इन लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो कि खूनी संघर्ष में बदल गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर तलवारों से वार किए, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। एएसपी ऊना विनोद धीमान ने कहा कि पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि लोअर पंजावर में, जो कि थाना हरोली के अंतर्गत आता है क्षेत्र, कि वहाँ पे दो गुटों के बीच में मारपीट हुई है। ये विवाद जमीनी संबंधित विवाद लगता है, जिसमें पुलिस ने मौके पे पहुँच के जिन बंदों को चोटें लगी हैं उन बंदों को हॉस्पिटलाइज किया है, और पुलिस आगे की कार्रवाई जो मुकदमा दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई कर रही है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट।